आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। गाइस, आवर टुडेज क्वेश्चन इज फाइंड आउट द रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन एंड सल्फर डाइऑक्साइड अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर। बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड का एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर वो क्या होगा, इस दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, राइट? क्या रिलेटिव रेट पूछ रहा है, दैट मीन्स R1 / R2। सो हमारे पास गैस वन, सो आर मिथेन, लोग इसे डिनोट करेंगे एट एज आर वन, एंड आर सल्फर डाइऑक्साइड, सो SO2 विल डिनोट इट एज R2, राइट? नाउ वी नो फ्रॉम ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, हमें पता है जो R होता है, रेट जो होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m होता है, राइट? ये तब होता है जब हमारा टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट होता है, राइट? और हमारे पास यही कंडीशन दे रखी है, राइट? दैट मीन्स अगर हम इक्वेशन को लिखें RCH4 अपॉन RSO2, तो यह हो जाएगा अंडर रूट मॉलिकुलर वेट ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट मॉलिकुलर वेट ऑफ CH4, क्योंकि इनवर्स रेशियो में होता है, राइट? नाउ आवर टास्क इज टू फाइंड दिस रेशियो। सो RCH4 अपॉन R SO2 विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट, अगर हम SO2 का मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करें तो फॉर SO2 वी विल हैव सल्फर के केस में 32 हो जाएगा, एंड अगेन ऑक्सीजन के केस में 16 × 2 32, दैट मीन्स 64 हो जाएगा, राइट? एंड अगर हम CH4 का नंबर ऑफ मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करें तो CH4 का हो जाएगा हमारे पास, फॉर कार्बन इट्स 12 एंड फॉर हाइड्रोजन इट्स 4, दिस इम्प्लाइज 16, राइट? सो RCH4 अपॉन RSO2 की जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट 4, दैट इज 2 हो जाएगा। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।